नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश और आप देख रहे हैं बिग न्यूज विद मी। दोस्तों, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की किस्मत का कनेक्शन एक कमरे से जुड़ गया है। भ्रष्टाचार के आरोप में मधु कोड़ा बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के अपर डिवीजन सेल के जिस कॉटेज में 3.5 साल रहे, उसी कॉटेज को शनिवार को लालू प्रसाद को आवंटित किया गया। लालू प्रसाद की बाईं तरफ अपर डिवीजन सेल के कॉटेज में ही जगदीश शर्मा और आरके राणा को भी कमरा आवंटित किया गया। जेल सूत्रों के मुताबिक लालू प्रसाद यादव पूर्व में 30 सितंबर से दिसंबर 2013 तक लालू प्रसाद इसी कॉटेज के कमरे में रह चुके हैं। हम आपको बता दें कि रांची जेल के अपर डिवीजन सेल में लालू प्रसाद के कॉटेज के बाईं तरफ झरिया विधायक संजीव सिंह का कॉटेज है। अपने ही चचेरे भाई और कांग्रेसी नेता नीरज सिंह की हत्या के आरोप में संजीव को यहां रखा गया है। लालू प्रसाद के कॉटेज की दाईं तरफ के कॉटेज में पूर्व मंत्री रमेश सिंह हत्याकांड में पूर्व मंत्री राजा पीटर बंद है। जेल में अविनाश हत्याकांड में सजायाफ्ता पूर्व विधायक सावना लकड़ा, कमल किशोर भगत, हरि नारायण राय भी लालू प्रसाद के पड़ोसियों में शामिल है। लालू प्रसाद को जेल लाए जाने के बाद उनके बेटे तेजस्वी यादव ने भी जेल प्रशासन से अंदर आने की अनुमति मांगी थी। तेजस्वी ने जेल प्रशासन से अनुरोध किया था कि उसके पिता बुजुर्ग है, तबीयत भी ठीक नहीं रहती, ऐसे में उन्हें मिलने की अनुमति दी जाए। जेल प्रशासन से अनुमति मिलने के बाद तेजस्वी जेल के अंदर आए। अंदर आने के बाद कुछ देर वह लालू प्रसाद के साथ रहे। हालांकि शाम ढलने के बाद लालू प्रसाद ने तेजस्वी से अपने अंदाज में कहा, जा बबुआ बहुत टाइम भइल बा, जिसके बाद तेजस्वी जेल परिसर से बाहर निकले। हम आपको बता दें कि रांची जेल लाए जाने के बाद लालू प्रसाद 3357वे कैदी बने। सजाए सुनाए के बाद अगर वह इसी जेल में रहते हैं तो उन्हें कैदी नंबर भी आवंटित किया जाएगा। फिलहाल लालू प्रसाद यादव को कैदी नंबर का आवंटन नहीं किया जा सकेगा। लालू प्रसाद के कमरे में एक पुरानी टीवी है, इस टीवी में केबल का कनेक्शन नहीं होगा, ऐसे में लालू प्रसाद यादव सिर्फ दूरदर्शन देख पाएंगे। मांगने पर अखबार व किताबें भी दी जाएगी। लालू प्रसाद के कमरे में एक चौकी लगी है, तकिया, मच्छरदानी, रजाई, गद्दा वगैरह भी अपर डिवीजन सेल के कैदियों की सुविधाओं के अनुसार मुहैया कराया जाएगा। लालू प्रसाद के कमरे में एक किचन भी है, जहां वह अपने पसंद के जेल से कुक से खाना बनवा सकते हैं। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ।